हमारे आज के इस डिजिटल लाइफ में डेटाबेस का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। हम रोज़ इसके साथ इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, कभी जानकर और कभी अनजाने में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस ट्यूटोरियल में आज ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम डेटाबेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। डेटाबेस की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके ओवरव्यू के बारे में, फाइल बेस्ड सिस्टम के बारे में, डेटाबेस अप्रोच के बारे में जो डेटाबेस को अलग बनाता है फाइल बेस्ड सिस्टम से, क्या रोल्स होते हैं डेटाबेस के अंदर जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर, डिज़ाइनर, एप्लीकेशन डेवलपर, एंड यूज़र, और हिस्ट्री क्या है DBMS की, और सबसे लास्ट में बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। यहाँ पे डेटाबेस, DBMS, डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस सिस्टम, ये हम इस डेफिनेशन में मान लेंगे। विश्वास करने की नहीं बात कर रहा मैं, सिर्फ आपको मानना है, वीडियो के अंत तक आपको विश्वास करना है, ठीक है। डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, कोई भी डेटा आप स्टोर करेंगे तो कहीं एक जगह होगा जहाँ पे आप उसको स्टोर करेंगे, एक तरह का कंटेनर, उसी को हम डेटाबेस मान लेते हैं। DBMS डेटाबेस को हम सीधा मैनेज नहीं कर सकते, तो मैनेज करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा, एक तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, उसको हम DBMS मान लेते हैं, ठीक है, जो कि डेटाबेस को मैनेज करने में मदद करेगा या कंट्रोल करने में मदद करेगा। उसके बाद है एक डेटाबेस एप्लीकेशन। आखिर हम डेटाबेस बनाएंगे, DBMS बनाएंगे, तो किसी के साथ इंटरेक्शन तो होगा ना। यूज़र डायरेक्टली DBMS पे क्लिक नहीं करेगा, डेटाबेस पे क्लिक नहीं करेगा, तो एक एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन को हम मान लेते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन। ये एक तरह का प्रोग्राम है जो कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करता है। जब भी आप कोई यूज़र का सर्च करते हैं, कोई क्वेरी सर्च करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं जो कि DBMS के साथ कनेक्ट करता है और DBMS से बोलता है कि ये डेटा चाहिए और उसको रिट्रीव करके आपको दिखाता है। तो एक तरह का प्रोग्राम, एक तरह का एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं या एंड यूज़र यूज़ कर रहा है। डेटाबेस सिस्टम कलेक्शन ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन को ही डेटाबेस सिस्टम बोला जाता है। जब बहुत सारे डेटाबेस एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ हों तो उसको हम डेटाबेस सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि डेटाबेस क्या होता है, DBMS क्या होता है, डेटाबेस एप्लीकेशन क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस को अगर हमें समझना हो और हमें पता नहीं हो कि क्या होता है तो हम कैसे समझें, ठीक है। तो होप कि बैंक तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और हम सब बैंक में क्या करते हैं ये हमें भी पता है। जब भी आपके पास कैश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस डर से कि चोरी ना हो जाए, या फिर इस डर से कि इनकम टैक्स का रेड ना पड़ जाए, या फिर बहुत सारी रीजंस होते हैं, तो आप अपने पैसे को बैंक में जमा करवाते हैं, ठीक है। सबसे खास रीज़न होता है सिक्योरिटी, क्योंकि बैंक से अगर पैसे जाते हैं तो बैंक को देना है, लेकिन आपके पैसे अगर आपके घर से चोरी हो गए तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो आप हैं, आपके पास कैश ज़्यादा हो जाता है तो आप बैंक में पैसे रखने जाते हैं, लेकिन एक बात और है कि क्या बैंक में कोई ऐसी तिजोरी होती है जिसकी चाबी आपके पास होती है, आप जाते हैं तिजोरी खोलते हैं और पैसे जमा कर देते हैं? नहीं, बैंक में कुछ उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन एम्प्लॉयज़ से आपका इंटरेक्शन होता है। अब वो एम्प्लॉयी मैनेजर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, या कोई भी बैंक का कर्मचारी जो रिस्पॉन्सिबल है आपके पैसे लेन देन करवाने में, ठीक है। तो आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म को देखता है अकाउंटेंट और आपके पैसे लेता है और फिर बैंक में जमा होता है। बैंक में जमा का मतलब आपके अकाउंट पे एक रिकॉर्ड ऐड हो जाता है कि हाँ इतने पैसे हमें, यानी बैंक बताता है कि इतने पैसे हमें मिले हैं। अब ठीक वही सिचुएशन, मान लीजिए कि आप बैंक से पैसे निकालने जाते हैं, तो आप डायरेक्टली बैंक की तिजोरी में जाकर पैसा नहीं निकाल सकते, राइट। तो आप उस एम्प्लॉई से कहते हैं कि मुझे पैसे निकालने हैं, वो आपको एक फॉर्म देता है, आप फॉर्म भरते हैं, आपका अकाउंट नंबर मैच किया जाता है, आपकी आइडेंटिटी मैच की जाती है, फिर बैंक से पैसे निकाले जाते हैं। बैंक वो पैसे अपने एम्प्लॉई को देता है, एम्प्लॉई वो पैसे आपको देता है, राइट, या एम्प्लॉई ही जाके बैंक की तिजोरी से पैसे निकाल के आपको देता है, यही होता है ना। यानी कि मैनेज करने के लिए एक इंसान होता है, ठीक है, जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन होता है। आपका कम्युनिकेशन डायरेक्टली बैंक के साथ नहीं हो रहा है, एक एम्प्लॉई के साथ हो रहा है, उस एम्प्लॉई का कम्युनिकेशन बैंक के साथ हो रहा है, ठीक है। ठीक ऐसे ही डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डेटाबेस एक तरह का बैंक हो गया और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का
इंसान हो गया या एम्प्लॉई हो गया उस बैंक का, उस डेटाबेस का, जिसके साथ आप उससे मिलके उस डेटाबेस में डेटा रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बैंक में पैसा रखे हैं तो आप डायरेक्टली जाके उसको नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली जमा भी नहीं कर सकते, आपको चाहिए एम्प्लॉई, बैंक का एम्प्लॉई जिसके साथ आप बात करेंगे, फॉर्म भरेंगे और पैसे जमा होंगे, ठीक है। वो एम्प्लॉई का भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो सिर्फ इसलिए कि वो आपको जानता है पैसे जमा नहीं कर सकता, आपका अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में, ठीक है। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक वैसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग की गई होती है, बहुत सारे लॉजिकल वहाँ पे प्रोग्रामिंग का अप्लाई होता है, ठीक है। कैसे काम करना है वो सब ये हम आगे के वीडियोस में जानेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे ही होता है। तो बैंक को मान लीजिए डेटाबेस, एम्प्लॉय को मान लीजिए DBMS और आप खुद को मान लीजिए यूज़र या फिर डेटाबेस एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे DBMS को, DBMS रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस को, डेटाबेस डेटा देगा DBMS को, DBMS डेटा देगा आपको, ठीक। इतना आपको होप के समझ में आया होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि DBMS और डेटाबेस और आप कैसे काम करते हैं, ठीक है। आप इन द सेंस या तो आप एंड यूज़र हैं या फिर आप एक डेटाबेस एप्लीकेशन है, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसको डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है, डेटा सेव करना है या रिट्रीव करना है, ठीक है। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है रियल लाइफ एग्जांपल ले लेना, जो चीज़ें हो रही हैं उसको एक बार से फिर अच्छे तरीके से समझ लेना उस कॉन्टेक्स्ट में रख के, ठीक है। हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, जब आप परचेज करते हैं किसी सुपरमार्केट से या मॉल से, ठीक है। तो मॉल में हम जाते हैं या फिर सुपरमार्केट में जाते हैं, हम अपने सामान यानी कि हमारा जो लिस्ट होता है कि हमें ये चीज़ें ख़रीदनी है उस सुपरमार्केट से, कोई सब्जी के लिए जाता है, कोई कपड़ों के लिए जाता है, कोई किसी अदर चीज़ के लिए जाता है, ठीक है। हम सामान लेते हैं ट्रॉली में, हम कहाँ जाते हैं एग्ज़िट करने के वक्त, हम जाते हैं जहाँ बिलिंग हो रही होती है, बिलिंग काउंटर पे। वहाँ एक बंदा होता है या बंदी होती है जो हर सामान को लेते हैं, उसके बारकोड को स्कैन करवाते हैं और उसका प्राइस उनके कंप्यूटर पे आने लगता है, ठीक है, और कैलकुलेट भी होने लगता है। कैलकुलेट होने के बाद टोटल प्राइस हमें मिलता है, हमें हमारा सामान दिया जाता है और थैंक यू बोल के हम निकल आते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे जनरल लाइफ में जब भी हम परचेज करने जाते हैं कहीं कोई भी चीज़। तो लेकिन इसको अगर आप डेटाबेस के वे में समझना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे, मैं यहाँ टेक्निकल बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि जैसे ही बारकोड रीड करता है आपके हर सामान को, ठीक है, तो होता क्या होगा, तो बैकएंड में बारकोड रीडर जो है वो आपके डेटाबेस एप्लीकेशन का पार्ट होता है, जो कि डेटा को फेच करने में यानी कि उस बारकोड को रीड करके उस बारकोड पे क्या प्राइस है ये डेटाबेस से फेच करके आपके स्क्रीन पे दिखाता है। तो जनरली होता क्या है कि बारकोड आपका एक इनपुट डिवाइस है जिस पे आप बार्स दिखाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के, बार को स्कैन करने के बाद वो बारकोड रीडर डेटाबेस एप्लीकेशन को बोलता है कि ये बारकोड नंबर है। अब डेटाबेस एप्लीकेशन यानी कि जो आपके कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन खोला है जहाँ पे आप वो प्राइसेस देख रहे हैं, कैलकुलेशन हो रही है, वो डेटाबेस एप्लीकेशन होगी। वो एक रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस को यानी कि DBMS को, क्योंकि डायरेक्टली डेटाबेस से हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। बैंक में आप सीधा पैसे नहीं रख सकते, बैंक एम्प्लॉय जरूरी है, ठीक वैसे ही DBMS है। तो DBMS को बोलता है कि भाई इस बारकोड रीडर पे क्या प्राइस है मुझे बताओ, ठीक है। अब DBMS बात करता है डेटाबेस से यानी कि सर्च करता है डेटाबेस में कि अच्छा इस बारकोड रीडर पे ये प्राइस है, फिर वो बारकोड प्राइस यानी कि उस बारकोड नंबर पे जो प्राइस सेट होता है वो डेटाबेस से लेता है और एप्लीकेशन को रिटर्न करता है और वही प्राइस आता है। तो जैसे ही स्कैन हुआ, रिक्वेस्ट गया DBMS को, DBMS ने रिक्वेस्ट किया DB को यानी कि सर्च किया, उसने रिक्वेस्ट नहीं किया सर्च किया, और सर्च करने के बाद लौट आया डेटाबेस एप्लीकेशन को और उस एप्लीकेशन पे आपके प्राइसेस दिख रहे हैं, ठीक है। अब जनरली अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई ठीक है तुम जो बता रहे हो वो होता है, लेकिन डेटाबेस में वो डेटा कैसे होता है। तो गाइस डेटाबेस में वो डेटा सेव किया जाता है DBMS के थ्रू, यानी कि DBMS एक ऐसा एम्प्लॉय है डेटाबेस का जो डेटा ऐड करने में, डेटा को रिट्रीव करने में, डेटा को मॉडिफाई करने में, डेटा को डिलीट करने में
मदद करता है, यानी कि वही है जो ये सारी चीज़ें कर सकता है। और हम डायरेक्ट डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, हम डीबीएमएस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो डीबीएमएस के नाम से ही पता चलता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है वो डेटाबेस को, उसको हम डीबीएमएस बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में सेव्ड है। ठीक है, बारकोड पे हर प्राइस सेव है कि इस बारकोड का ये प्राइस है, इस बारकोड का ये प्राइस है, क्योंकि उतना बड़ा मॉल है, उतने सारे चीज़ें हैं, तो उसका अगर डेटाबेस नहीं होगा तो फिर मैन्युअली उन चीज़ों को याद रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है एक अलग इंसान के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो डेटाबेस में ऑलरेडी डेटा सेव है डीबीएमएस, उस बार कोड पे वो जो प्राइस रखी हुई है डेटाबेस में उसको फेच करके एप्लीकेशन को दिखाता है, एप्लीकेशन उसको काउंट करता है। उसमें एक अलग लॉजिक है, उसके प्रोग्रामिंग में ही ये लॉजिक है कि एक एक करके प्राइस लिखेगा और उसको कैलकुलेट भी करेगा, आपको टोटल बिल मिलता है और आप उस बिल को पे करके चले आते हैं। ये बैकएंड में हो रहा होता है जब वो बारकोड रीडिंग हो रहा होता है, यानी कि वो बंदा जब बारकोड रीड करता है और कैसे प्राइस फेच होता है, ये आपको समझ में आ गया। वहाँ हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे आप हज़ारों एग्जांपल ले सकते हैं। चाहे आप अपना इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे आप कोई हॉलीडे बुक करते हैं, हॉलीडे पैकेज खरीदते हैं, या फिर आज देखें तो आज के इस डिजिटल युग में आप हर जगह डेटाबेस का यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। तो डेटाबेस आज बहुत इंपॉर्टेंट है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होप कि आपको समझ में आया होगा कि रियल लाइफ में हम डेटाबेस का यूज़ कहाँ करते हैं और थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा कि डेटाबेस होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे फाइल बेस्ड सिस्टम की। लेकिन माइंड में एक क्वेश्चन है कि ठीक है, अभी हम डीबीएमएस पढ़ रहे हैं और जहाँ तक हमें पता है कि फाइल बेस्ड सिस्टम बहुत पुराना है, उसी को इन्हांस करके हमने डीबीएमएस बनाया। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, फाइल बेस्ड सिस्टम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद डीबीएमएस बनाया गया, तो फाइल बेस्ड सिस्टम हम पढ़े क्यों, ये क्वेश्चन। सिर्फ लिख दिया है इसलिए हमें नहीं पढ़ना है, फाइल बेस्ड सिस्टम क्यों पढ़ना है उसके दो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाई वी शुड नो अबाउट इट। तो फाइल बेस्ड सिस्टम के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो पहला फ़ायदा ये है कि आप ये समझ पाएंगे कि फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर जो लिमिटेशंस हैं वो डेटाबेस सिस्टम में ना हो, क्योंकि आप डेटाबेस सिस्टम बना रहे हैं। अगर फाइल बेस्ड सिस्टम का लिमिटेशन डेटाबेस में भी हो तो आपका डेटाबेस डेटाबेस नहीं है, वो फाइल बेस्ड सिस्टम ही है, राइट। और दूसरा फ़ायदा कि मान लीजिए अगर आपको फाइल बेस्ड सिस्टम से डेटाबेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कोई कंपनी है जो फाइल बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रही है, अब उसको डेटाबेस पे आना है, तो आप उस कन्वर्जन में कैसे हेल्प करेंगे जो, जबकि आपको ये पता ही नहीं है कि फाइल बेस्ड सिस्टम होता क्या है। तो कई बार होता है ना कि हमें किस में कन्वर्ट करना है ये पता है, लेकिन किसको कन्वर्ट करना है इसके बारे में पता नहीं होता, ठीक है, और हम गलती कर देते हैं। तो फाइल बेस्ड सिस्टम बहुत सारे एग्जिस्टिंग कंपनीज में होंगे, ठीक है, उसको अगर हमें डेटाबेस में करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको फाइल बेस्ड सिस्टम का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, और उन लिमिटेशन को आप डेटाबेस में ना दोहराएं, इसलिए भी हमें फाइल बेस्ड सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फाइल बेस्ड सिस्टम होता क्या है। कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट परफॉर्म सर्विसेज फॉर द एंड यूजर्स, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि हर चीज़ के लिए, यानी कि हर एक्टिविटीज़ के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनता है। जैसे सेल्स है तो उसके रिलेटेड एक्टिविटी के लिए एक सेल्स एप्लीकेशन बनेगा, सपोर्ट है उसके लिए एक सपोर्ट एप्लीकेशन बनेगा, और हर एप्लीकेशन अपना डेटा खुद डिफाइन करता है और खुद मैनेज करता है, यानी कि हर एप्लीकेशन का एक इंडिविजुअल डेटाबेस होता है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, सेल्स और सपोर्ट। ठीक है, सो यहाँ पे सेल्स और सपोर्ट दो डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स के लिए एक अपना एप्लीकेशन है, सपोर्ट के लिए एक अपना एप्लीकेशन है, और ये दोनों एप्लीकेशन इंडिविजुअल डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं जो आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे। ये फाइल बेस्ड सिस्टम है। अब इनके अंदर जो रिकॉर्ड सेव होता होगा उसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेल्स के अंदर सेल्स इनवॉइस होगा, ठीक है, तो उस इनवॉइस के अंदर क्या क्या डेटा होगा, तो डेट होगा, प्रोडक्ट आईडी होगा, मॉडल होगा, प्रोडक्ट नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, कस्टमर का नाम, कस्टमर का आईडी, उसका एज, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, फिर से जिस स्टोर से वो परचेज किया जा रहा है उसका आईडी, स्टोर का नाम, स्टोर का एड्रेस, और कंपनी का डिटेल्स, किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है। ठीक है, ये सेल्स इनवॉइस के अंदर है। ठीक वैसे ही सपोर्ट के अंदर डेट आएगा,
प्रोडक्ट आईडी आएगा, सपोर्ट आईडी आएगा, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट खरीदे हैं तो उसी का सर्विस लेंगे, तो उस प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी होता है, उसका एक अपना मॉडल होता है, प्रॉब्लम क्या है, और सपोर्ट आईडी यानी कि कौन सा सपोर्ट उस प्रोडक्ट पे चल रहा है, फिर कस्टमर का नेम, कस्टमर का आईडी, एज, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कंपनी का अपना डिटेल, और सपोर्ट सेंटर का सपोर्ट सेंटर आईडी, स्टोर नेम, एड्रेस, ठीक है, ये सपोर्ट का इनवॉइस है। तो आपने गौर किया होगा कि सेल्स इनवॉइस में और सपोर्ट इनवॉइस में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत सारे फील्ड कॉमन है, ठीक है, और रिपीट हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि जब ये फाइल बेस्ड सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो सेल्स इनवॉइस या सपोर्ट इनवॉइस का जो डेटा है वो अलग अलग डेटाबेस में सेव हो रहा है। सेल्स का एक अपना डेटाबेस है क्योंकि उसका एक अपना एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन ही उस डेटाबेस को मैनेज कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। ठीक वैसे ही सपोर्ट का एक अपना डेटाबेस है जो कि सपोर्ट एप्लीकेशन ही मैनेज कर सकता है और डिफाइन कर सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी जिसको मैंने हाईलाइट भी करा है घेरे में, वो है डुप्लीकेशन। प्रोडक्ट आईडी, मॉडल नेम, कस्टमर का एड्रेस, कंपनी का डिटेल्स, ये दोनों में रिपीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें भी स्टोरेज भर रहे हैं, वही डेटा सेव कर रहे हैं, सपोर्ट वाले डेटाबेस में भी वही डेटा सेव कर रहे हैं, रिपीटेशन तो हो रहा है, डुप्लीकेशन तो हो रहा है, ठीक है, ये एक तरह का लिमिटेशन है। लेकिन अभी यहाँ हम बात करते हैं फाइल की, क्योंकि फाइल बेस्ड सिस्टम पढ़ रहे हैं और फाइल के बारे में ना पता हो तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। जनरली हम फाइल्स देखे ही होंगे अपने कंप्यूटर्स के अंदर और एक बेसिक आइडिया तो होता ही है, ठीक है। फाइल होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स विथ लॉजिकल रिलेशन इन डेटा। जो भी डेटा होते हैं उस फाइल के अंदर उनमें एक लॉजिकल रिलेशन होता है और उनका कलेक्शन, उनका रिकॉर्ड्स ही फाइल माना जाता है, ठीक है। तो कोई भी आप फाइल ओपन करते हैं, आप देखते हैं टेक्स्ट फाइल हो तो उसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, कोई प्रोग्रामिंग का फाइल होता है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम के होते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, तो फाइल यानी कि फाइल जनरली आपको पता ही होगा, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं। और फाइल बेस्ड सिस्टम यानी कि ऐसे फाइल्स ही बनते हैं फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम। फाइल बेस्ड सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम जो अपना डेटा खुद ही मैनेज करता है, डिफाइन करता है, ठीक है, जिसका अपना एक अलग डेटाबेस होता है हर एप्लीकेशन प्रोग्राम का। फाइल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम, चार लिमिटेशन है जो कि बहुत ही मेजर है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डेटा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डेटा डिपेंडेंस, इनकम्पेटिबल फाइल फॉर्मेट्स। एक एक करके इन चारों लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला लिमिटेशन, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डेटा। सो जब डेटा सेपरेटेड फाइल्स में सेव होता है, आइसोलेट किया होता है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है डेटा को एक्सेस करना। जैसे मान लीजिए यहाँ सेल्स इनवॉइस है, सपोर्ट इनवॉइस है, इन दोनों में से आपको डेटा सर्च करना है तो आपको एक तीसरा फाइल बनाना पड़ेगा जिसको हम टेम्पररी फाइल बोलते हैं। और उन टेम्प फाइल में आपको क्या क्या पैरामीटर सेल्स इनवॉइस से चाहिए, क्या क्या पैरामीटर सपोर्ट इनवॉइस से चाहिए, ये आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से तीन फाइल बनेंगे, दो फाइल, एक सेल्स इनवॉइस है, एक सपोर्ट इनवॉइस है, और तीसरा बनेगा जो टेम्पररी होगा लेकिन स्टोरेज उतना ही लेगा, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि दोनों से आप एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं तो हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, कम भी होगा, लेकिन तीसरा फाइल बनेगा फाइल बेस्ड सिस्टम का। यही अपना एक ड्रॉबैक है, ठीक है। सो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डेटा, यहाँ फाइल सेपरेट है, आइसोलेटेड है, और आपको उनमें से डेटा फेच करने के लिए, अपने तरीके से देखने के लिए एक टेम्पररी फाइल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि आपका प्रोग्राम ही करता है और इसमें टाइम लगता है, ठीक है। अभी बात करते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ये हमने चेक भी करा था पिछले स्लाइड्स में। सो डुप्लीकेशन डेटा का जब होता है ना तो ये कोई मतलब कोई नहीं चाहता कि डेटा का डुप्लीकेशन हो, ये अनडिज़ायरेबल है। एक तो इससे कॉस्ट बढ़ जाता है, दूसरा इससे स्पेस भी बढ़ता है, स्टोरेज स्पेस, ठीक है। आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं कि डुप्लीकेशन इज वेस्टफुल, इट कॉस्ट टाइम एंड मनी टू एंटर द डेटा मोर देन वंस। ऑफ कोर्स कोई बंदा ही, मतलब सेल्स में जो बंदा है वो प्रोडक्ट आईडी, मॉडल, ये सब भर रहा है, फिर सपोर्ट वाला बंदा भी यही सेम चीज़ें भर रहा है। अगर ये डेटाबेस में होता तो क्या होता है, ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम में
बहुत सारी फील्ड्स कॉमन है यहाँ दोनों फाइल्स में, आप देख सकते हैं सेल्स इनवॉइस में भी, सपोर्ट इनवॉइस में, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। तो अगर मैंने सेल्स में भरी और कोई ऐसा सिस्टम होता जिससे मैं सपोर्ट इनवॉइस जब भर रहा हूँ तो जो भी मैंने सेल्स में भरा है वो अपने आप पॉपअप हो जाता है मेरे सपोर्ट इनवॉइस में, तो मुझे प्रोडक्ट आईडी, मॉडल, कस्टमर का ये जो डेटा है और कंपनी का डेटा है ये भरना नहीं पड़ता मैन्युअली और इसके स्पेस नहीं लगते। तो अगर मैं हूँ एक एम्प्लॉय हूँ किसी कंपनी का, तो कंपनी मुझे पैसा दे रही है तो उसका कॉस्ट तो लग रहा है ना, तो स्टोरेज स्पेस भी लगेगा तो अगेन वो एसोसिएटेड कॉस्ट ही है कंपनी का, ठीक है। तो दोनों केस में कॉस्ट ही लग रहा है कंपनी का, डुप्लीकेशन वेस्टफुल तो है ही, उसमें टाइम लग रहा है तो उसका भी कॉस्ट है और स्टोरेज का भी अपना कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बहुत होता है जब आप फाइल बेस्ड सिस्टम का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना डेटाबेस होता है, ठीक है। डेटा डिपेंडेंस, सो फिजिकल स्ट्रक्चर और जो डेटा का स्टोरेज है कैसे स्टोर होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, ये सब आप एप्लीकेशन के कोड के अंदर ही डिफाइन करते हैं, तो उसको मॉडिफाई करना भी इतना आसान नहीं होता है। एप्लीकेशन में अगर आप छेड़छाड़ करते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं फाइल बेस सिस्टम के अंदर, और अगर आपके फाइल बेस सिस्टम में जो कंटेनर है जो डेटा को स्टोर करता है उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो आप फिर से एप्लीकेशन के द्वारा उसमें से डेटा फेच नहीं कर पाते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है, क्योंकि डेटा पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है एप्लीकेशन पे और एप्लीकेशन पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है उस कंटेनर पे, उसको डेटाबेस ही बोलिए, ठीक है। मॉडिफाइंग एड्रेस फील्ड, तो मान लीजिए यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं कि आपको एक एड्रेस फील्ड मॉडिफाई करना है अपने डेटाबेस के अंदर फाइल बेस सिस्टम के थ्रू, ठीक है, तो कैसे होगा। तो जब भी आप एड्रेस फील्ड या कुछ भी फील्ड को मॉडिफाई करते हैं तो ओरिजिनल फाइल को सबसे पहले ओपन किया जाता है, फिर एक टेम्प्ररी फाइल क्रिएट किया जाता है, ओरिजिनल फाइल से डेटा एक एक करके पढ़ा जाता है और उसको राइट किया जाता है टेम्प्ररी फाइल के अंदर, ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दिया जाता है, टेम्प्ररी फाइल को रीनेम करके ओरिजिनल फाइल का जो नाम था वो रख दिया जाता है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है और ये प्रोसेस काफ़ी स्लो बना देता है फाइल बेस सिस्टम को, ठीक है। तो सिर्फ एड्रेस फील्ड को मॉडिफाई करना इतने सारे स्टेप्स लगते हैं फाइल बेस सिस्टम के अंदर। अब इनकम्पेटिबल फाइल फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। अलग अलग एप्लीकेशन या अलग अलग डिपार्टमेंट के एप्लीकेशन अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है फाइल्स का वो एप्लीकेशन के अंदर ही एम्बेड होता है फाइल बेस सिस्टम के अंदर। सो जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं, दोनों एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन के लिए, फाइल बेस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले वाले डिपार्टमेंट का जो एप्लीकेशन है वो रिटन है कोबोल में, कोबोल एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दूसरे डिपार्टमेंट का जो एप्लीकेशन है वो रिटन है सी लैंग्वेज में, तो इसमें प्रोसेस में काफ़ी डिफिकल्टी आएगी। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल्स के अंदर जो एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है वो कोबोल में डेवलप्ड है, अकाउंट के अंदर जो एप्लीकेशन डेवलप्ड हुआ है वो सी लैंग्वेज में डेवलप्ड हुआ है। सो ये प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट है, अगर इन दोनों को आप इंटीग्रेट भी करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर आ जाएगा, ठीक है। कोबोल को डायरेक्टली सी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, सी को डायरेक्टली कोबोल अंडरस्टैंड नहीं करेगा, सो दोनों फाइल से डेटा रीड करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो ये कुछ लिमिटेशंस है फाइल बेस सिस्टम के, होप कि आपको समझ में आया होगा। चार लिमिटेशन पे बात करें हमने, ठीक है। सबसे पहला था सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डेटा, दूसरा था डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, तीसरा था डेटा डिपेंडेंसी और चौथा था इनकॉम्पेटिबल फाइल फॉर्मेट। अब इतने सारे लिमिटेशंस थे तो इंडस्ट्री को एक अप्रोच चाहिए था और वो अप्रोच को हम बोलते हैं डेटाबेस अप्रोच। ओके, डेटाबेस अप्रोच क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। डेटाबेस अप्रोच मतलब एक डेटाबेस को लेके आया, फिर डीबीएमएस को लेके आया और बहुत सारे नए नए डेटाबेस के रिलेटेड टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस का मतलब होता है एक शेयर्ड कलेक्शन जिसमें लॉजिकली रिलेटेड डेटा और इसके डिस्क्रिप्शन सेव किए जाते हैं। और क्यों सेव किया जाते हैं, ताकि ये
इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन को रन होने में इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उसको फुलफिल कर सकें। अब देखिए होता क्या है कि एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारा डेटा है, ठीक है। सिर्फ रॉ डेटा है तो उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। आपका नाम अलग हो, आपका एड्रेस अलग हो, आपका क्वालिफिकेशन अलग हो, वो पढ़ के किसी को समझ में नहीं आने वाला है कि ये किसके बारे में लिखा है। लेकिन आपका नाम हो और लिखा हो कि आपका क्वालिफिकेशन ये है, आपका एड्रेस ये है, आपका नाम ये है, तो वहाँ एक रिलेशन होता है आपका आपके एड्रेस के साथ, आपका आपके क्वालिफिकेशन के साथ, आपका आपके नाम के साथ। तो वो एक तरह से लॉजिकली रिलेटेड डेटा है, और जैसे ये लॉजिकली हम उसको रिलेट करते हैं वो बन जाता है इन्फॉर्मेशन। तो डेटा का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी महत्व नहीं होता। जब वो इन्फॉर्मेशन में होता है तो ही वो डेटा का अपना एक महत्व आता है, ठीक है। सो एस्योर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा एंड इट्स डिस्क्रिप्शन डिजाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डेटा बेस। यानी कि डेटा का कलेक्शन और उसका डिस्क्रिप्शन जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन फेच करने में मदद करता है, उसी को हम डेटा बेस बोलते हैं। अच्छा, कई बार डेटाबेस को हम जब डिनोट करवाते हैं तो एक तरह का बॉक्स होता है कंटेनर टाइप का, मैंने भी अपने स्लाइड्स में पहले आपको दिखाया। तो कई बार लोगों को लगता है कि वैसा बॉक्स उसी को हम डेटाबेस बोलेंगे, नहीं। डेटाबेस फाइल के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और जनरली डेटाबेस फाइल के फॉर्म में ही होता है, यानी कि कोई बड़ा सा फाइल जिसके अंदर बहुत सारे टेबल सेव किए गए हों, ठीक है, उसी को हम डेटाबेस बोलते हैं। एक्चुअली हम जो वो स्टोरेज कंटेनर टाइप का दिखाते हैं ना, हम उससे ये डिनोट करते हैं कि ये भी एक तरह का स्टोरेज कंटेनर ही है, ठीक है। तो वो हार्डवेयर फॉर्म दिखाते हैं हम, सॉफ्टवेयर फॉर्म यानी कि डेटाबेस का जो फॉर्म होगा, अब वो तो आप अपने लोकल पीसी पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, MySQL का डेटाबेस, Oracle का डेटाबेस। उसमें जो फाइल बनेगी क्या वो वैसे थोड़े होती है, वो तो एक फाइल के फॉर्म में ही होती है ना। सो डेटाबेस का मतलब शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। डेटाबेस को हम इंस्टॉल करते हैं किस पे, सर्वर पे, तो वो हो जाता है डेटाबेस सर्वर, ठीक है। तो जनरली बहुत सारे मिथ्स होते हैं जिसको हमें रिमूव करना होता है, वो जैसे जैसे हमारे पास नॉलेज आता जाता है वैसे वैसे हमारे जो मिथ्स होते हैं, हमारे जो गलत कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो एजम्पशन होते हैं, वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। सो अभी हम इसके जो डेफिनेशन पढ़ा, शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, इसको हम तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर्ड कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर लॉजिकली रिलेटेड डेटा मीन्स क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, और फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। शेयर्ड कलेक्शन, शेयर्ड कलेक्शन का क्या मतलब है? सो मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ABCD, ओके, या फिर सेल्स, अकाउंट, HR, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक अपना एप्लीकेशन होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का जो एक्टिविटी होता है वो स्पेसिफिक होता है। सेल्स का है तो सेल्स रिलेटेड होगा, अकाउंट का होगा तो अकाउंट रिलेटेड होगा। तो उसको अकाउंट रिलेटेड चीज़ें करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए उसका एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, सेल्स का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना सॉफ्टवेयर होता है, उनके नीड पे सॉफ्टवेयर बनता है। वो सारे सॉफ्टवेयर DBMS से कनेक्ट होते हैं और वो DBMS डेटाबेस से कनेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा डेटाबेस जो कि इन चारों के साथ डेटाबेस शेयर कर रहा है, इसीलिए हम इसको शेयर्ड कलेक्शन बोलते हैं, अपना डेटा शेयर करता है। तो इन चारों एप्लीकेशन का इंडिविजुअल डेटाबेस नहीं है, एक ही डेटाबेस है, चारों इसको एक्सेस करते हैं। सो फाइल बेस्ड सिस्टम में भी डेटा का कलेक्शन था लेकिन वो शेयर्ड नहीं था। तो आपने देखा कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एप्लीकेशन था और इंडिविजुअल डेटाबेस था और एक तरह का स्टोरेज कंटेनर था। डेटाबेस नहीं बोलेंगे क्योंकि डेटाबेस तो हम इधर ही बोल रहे हैं। सो हर डिपार्टमेंट का अपना एप्लीकेशन और उसका अपना स्टोरेज, हर डिपार्टमेंट का अपना एप्लीकेशन और उसका अपना स्टोरेज ही फाइल बेस्ड सिस्टम का लिमिटेशन बन गया। क्योंकि यहाँ देखिए, ये जो डेटाबेस है ये चार डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो शेयरिंग कितनी आसान है और कॉस्ट भी काफ़ी कम है। तो ये चारों एप्लीकेशन कनेक्टेड है DBMS के थ्रू और DBMS मैनेज करता है डेटाबेस को, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही कॉस्ट रिड्यूस हो गया, शेयरिंग काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है। चारों डिपार्टमेंट का डेटा एक जगह सेव हो रहा है।
अब हम बात करेंगे लॉजिकली रिलेटेड डेटा के बारे में। सो डेटा का एक अपना रिलेशन होता है, लॉजिकल रिलेशन। सो डेटाबेस के अंदर तीन चीज़ें हमें समझनी होती हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। एंटिटी क्या होता है? एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो कि डेटाबेस में प्रेजेंट होने जाता है, या जिसको हम डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट करते हैं और वो अपने आप में यूनिक हो, यूनिक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, सो जो यूनिक ऑब्जेक्ट है उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में कुछ हमें जानना होता है, तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, उसका अपना डेटा, ठीक है। रिलेशनशिप, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है, इसी को हम बोलते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। सो मान लीजिए कि कस्टमर है, तो यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं इसमें ब्रांच है, स्टाफ है, प्राइवेट ऑनर है, लीज है, क्लाइंट है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं, जो ब्रांच, स्टाफ, प्राइवेट ऑनर, लीज, क्लाइंट, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ये सब क्या है? एंटिटी है। एंटिटी का मतलब टेबल, टेबल का नाम ही एंटिटी बोला जाता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, अब उस टेबल के अंदर कितने सारे रॉज हैं या कॉलम्स हैं जिनके बारे में बहुत सारा डेटा होगा, उसी को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे कनेक्टेड है, कैसे काम कर रहा है, क्या उन दोनों में कॉमन है, क्या दोनों में अपने में यूनिक है, उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं। डेटा डिस्क्रिप्शन, डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज डेटा डिस्क्रिप्शन। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2016 सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2016 सेल्स का मंथ होगा, फॉरकास्ट होगा, सेल्स होगा, वेरिएशन होगा, ये सब क्या है? डेटा है। उसके अंदर बहुत सारा डेटा है, ठीक है। सो मेटा डेटा मतलब डेटा का एक अपना प्रॉपर्टीज, जैसे एड्रेस आप बोलते हैं, तो एड्रेस का एक अपना प्रॉपर्टीज है, उसमें होम टाउन, होम नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है, कोई लैंडमार्क हो गया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सब क्या है? एड्रेस आप बोल रहे हैं तो एड्रेस में ये सब आ जाता है, लेकिन जब आप होम नंबर बोलते हैं तो उसमें सिर्फ होम नंबर आता है, जब आप स्ट्रीट एड्रेस बोलते हैं तो उसमें सिर्फ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो इस तरह डेटा के बारे में जो डेटा है, जो उस डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको हम डेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। कई बार हम इसको सिस्टम कैटलॉग, मेटा डेटा या डेटा डिस्क्रिप्शन, तीनों के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है थोड़ा और डिटेल में बताओ, ये हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे, यहाँ पे आप ओवरव्यू लीजिए। तो हमने डेटाबेस का जो अपना डिस्क्रिप्शन था उसको हमने तीन तरीके से तोड़ा। शेयर्ड कलेक्शन, उसको दिखाया कि शेयर्ड कलेक्शन का मतलब क्या होता है। फिर मैंने आपको दिखाया कि लॉजिकली रिलेटेड डेटा का मतलब क्या होता है और डेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो एम्प्लॉय जो डेटाबेस को मैनेज करता है, ठीक है। सो अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट हेल्प अस टू डिफाइन, क्रिएट, मैनेज एंड कंट्रोल द एक्सेस ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। अगर आपको डेटाबेस के अंदर कुछ भी ऐड करना है, मैनेज करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, या फिर आपको वो डेटाबेस एक्सेस करना है, ये सारी चीज़ें आप DBMS के अंदर कर सकते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि यूज़र है, डेटाबेस डेवलपर है, यूज़र एप्लीकेशन यूज़ करता है, वो एप्लीकेशन DBMS के साथ कनेक्ट होता है, डेटाबेस डेवलपर डायरेक्टली DBMS को कनेक्ट कर सकता है और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है क्योंकि डेटाबेस डेवलपर है वो। सो डेटाबेस को DB डेवलपर भी, यानी कि डेटाबेस डेवलपर भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, वो DBMS को करता है, और कोई भी DBMS को ही कर सकता है क्योंकि डेटाबेस में जो डेटा होता है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं होता है, हम DBMS का यूज़ करके ही उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो DBMS वो एम्प्लॉय है जो डेटाबेस को मैनेज करने में, क्रिएट करने में, कंट्रोल करने में मदद करता है। अब बात करते हैं डेटाबेस सिस्टम के, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। सो इससे पहले हमने जाना था कि हर डिपार्टमेंट का एक अपना एप्लीकेशन होता है, लेकिन DBMS के अंदर वो सारे एप्लीकेशन एक ही डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब सो सिस्टम का मतलब होता है कि उस सिस्टम का जो गोल है उसको अचीव करने में जो भी कंपोनेंट मदद करता है, उन सब के कॉम्बिनेशन को ही हम सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ डेटाबेस सिस्टम का गोल क्या होता है? डेटा को अच्छे से एक्सेस करना, उसको मैनेज करना, राइट?
सो उस डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें हैं जो कंपलसरी होने ही चाहिए, जैसे कि डेटाबेस एप्लीकेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस, ये तीन ही चीज़ है जो होना ही चाहिए। यूज़र ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि यूज़र एप्लीकेशन ही यूज़ करता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है, डीबीएमएस का होना ज़रूरी है, और डीबी का होना ज़रूरी है जो कि डेटाबेस है, और ये तीनों मिलके डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे पहले वाले स्लाइड में जो मैंने बताया था उसमें सिर्फ मैंने बोला था कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, यहाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सो कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब होता है वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों, और कनेक्ट कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं, वो डीबीएमएस के साथ कनेक्ट होते हैं। अब बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस एनवायरनमेंट। यहां हम डीबीएमएस के कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे, डीबीएमएस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। सो डीबीएमएस को चलने में जो मदद करते हैं या जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसकी हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। डीबीएमएस के कंपोनेंट अलग होते हैं, डीबीएमएस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट अलग होते हैं। एनवायरनमेंट को आप सिस्टम ही समझ लीजिए, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस एनवायरनमेंट आर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर और लोग। हार्डवेयर में क्या आता है? सो हार्डवेयर के अंदर वो सारे पार्ट्स आते हैं जो फिजिकली अवेलेबल होते हैं, जो फिजिकली कनेक्शन में मदद करते हैं, जैसे कि आपका क्लाइंट पीसी जो कि किसी सर्वर से कनेक्टेड है, या मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन किसी सर्वर के साथ कनेक्ट करता है डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए या रिस्पॉन्स देने के लिए। तो सर्वर भी एक तरह का, उसका एक फिजिकल पार्ट भी होता है, उसका एक ओएस भी होता है, ठीक है। तो उसका जो हार्डवेयर है, यूज़र पीसी का जो हार्डवेयर है, केबल्स हैं, डेटाबेस का अपना हार्डवेयर होता है, स्टोरेज हार्डवेयर, वो सब हार्डवेयर पार्ट में आते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस एनवायरनमेंट में ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं, उसमें एक हार्डवेयर भी है। वो हार्डवेयर किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम डीबीएमएस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डीबीएमएस की बात नहीं कर रहे हैं। तो डीबीएमएस एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं, सर्वर भी होता है, डेटाबेस भी होता है, यूज़र पीसी भी होता है, और इन तीनों का कनेक्शन केबल्स के थ्रू होता है। कई बार कई केसेस में वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं, दोनों तरह के ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल पार्ट्स को हम हार्डवेयर बोल रहे हैं, ये तो आजकल सभी को पता है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। तो डीबीएमएस एनवायरनमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो मान लीजिए एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे अगर क्लाइंट पीसी के अंदर, तो वह एप्लीकेशन किसी लैंग्वेज में रिटन है, वो सॉफ्टवेयर है। वो जिस पे चल रहा होगा उसमें ओएस यूज़ हो रहा होगा, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है। DBMS इंस्टॉल करने के लिए भी आपको एक OS चाहिए होता है। जिस भी सर्वर पे आप DBMS इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले आप उस पे OS इंस्टॉल करते हैं और उस OS के ऊपर DBMS इंस्टॉल करते हैं, वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। और DBMS का जो लैंग्वेज है जिस पे आप क्वेरीज क्रिएट करते हैं, वो एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वो सब सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेटा के बारे में। सो ऑपरेशनल डेटा और मेटा डेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन डेटा ही कहलाता है, ठीक है। ऑपरेशनल डेटा क्या होता है? ऑपरेशनल डेटा वो डेटा है जो ऑर्गेनाइजेशन के नीड को या ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट को ऑपरेट करने में मदद करता है, यानी कि हमें ऑपरेशंस के लिए जो डेटा चाहिए, अपने डेली एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए जो डेटा चाहिए, उसको हम ऑपरेशनल डेटा बोलते हैं। और मेटा डेटा उस डेटा के बारे में जो डेटा है उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं, जैसे स्कीमा, टेबल्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब डेटा है, ठीक है, एक डेटाबेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ सिर्फ जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैं इतना ही बताऊँगा, क्योंकि देखिए पूरे डीबीएमएस के ट्यूटोरियल में आपको डेटा के बारे में ही पढ़ना है, प्रोसीजर के बारे में ही पढ़ना है, सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ना है, तो ये चीज़ें बहुत ब्रॉड है। अगर अभी मैं सारा ज्ञान दे दूंगा तो आगे आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? जनरली इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कह लीजिए या रूल कह लीजिए, जो कि डेटाबेस के डिज़ाइन में काम करता है, उसी को हम प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। कि डेटाबेस कैसे यूज़ हो, कैसे उसमें डेटा स्टोर होगा, कौन डेटा एक्सेस कर सकता है, ये सारे इंस्ट्रक्शन या रूल्स ही तो हैं, उन्हीं को हम प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम टू बी स्पेसिफिक जाएँ तो एंड यूज़र वो पीपल में आते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो डेटाबेस को एडमिन करता है, डेटा एडमिन जो डेटा को एडमिन करता है, इनके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। डेटाबेस डिजाइनर जो डेटाबेस को डिजाइन करता है, ब्लूप्रिंट तैयार करता है, एप्लीकेशन डेवलपर। अब हम बात करेंगे डेटाबेस डिजाइन के। डेटाबेस डिजाइन इससे पहले वाले स्लाइड्स में भी आपने सुना होगा, और मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं करा है, यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ,
और आगे भी इसको सुनेंगे, तो जब भी आप सुने आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। डेटाबेस डिज़ाइन का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है, जो कि डिफाइन करता है कि डेटा कैसे स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर, कैसे डेटाबेस से डेटा एक्सेस किया जाएगा। अब ब्लूप्रिंट में दो तरह के ब्लूप्रिंट होते हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। ठीक है, फिजिकल ब्लूप्रिंट ये होता है कि वो फोकस करता है हाउ डेटा कैसे स्टोर होगा। लॉजिकल ब्लूप्रिंट सबसे पहले बनता है और वो डिफाइन करता है व्हाट, किस डेटा को स्टोर करना है, और फिजिकल का मतलब कैसे स्टोर कर रहा है। ठीक है, सो इस तरह का ब्लूप्रिंट होता है। इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दूसरा जो वीडियो होगा उसमें यही हम डिटेल में जानने वाले हैं। डेटाबेस डिज़ाइन का मतलब एक ब्लूप्रिंट, कैसे स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे रोल्स इन डेटाबेस एनवायरनमेंट। जो फिफ्थ कंपोनेंट आपने पढ़ा डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर, वो था पीपल। यहाँ पे हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो क्या क्या रोल्स हैं डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर। सो सबसे पहले होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दोनों का डिफरेंस आप फाइंड आउट कीजिए, यहाँ मैं उसका ओवरव्यू बताता हूँ। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डेटा रिसोर्स, इंक्लूडिंग डेटाबेस प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एंड कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, सो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। सो डेटा एडमिन वो बंदा है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कि डेटा रिसोर्स जो है वो कैसे मैनेज किया जाएगा, कहाँ से डेटा लाया जाएगा, कैसे स्टोर होगा। डेटाबेस की प्लानिंग में अगर मान लीजिए आप डेटा पे फोकस नहीं करेंगे तो उसका प्लानिंग बिगड़ जाएगा। तो डेटाबेस प्लानिंग में भी ये लोग होते हैं, ये बताने के लिए कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जब भी होता है एक तरह का स्टैंडर्ड होता है, एक रूल बनता है, जो कि प्रोसीजर भी डेटाबेस का कंपोनेंट होता है ना, तो उसमें भी ये लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि इसको किसको एक्सेस मिलना चाहिए इस डेटा का, किसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, क्या पॉलिसीज होंगे। और लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस का जब डिज़ाइन बनता है तो उसमें भी इनका हाथ होता है, ये बताने के लिए कि डेटा का सोर्सेस क्या है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये नाम आपने हर जगह सुना होगा। सो DBA इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ द डेटाबेस। लॉजिकल तो बन गया, लेकिन फिजिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसको बनाने वाला होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में भी इन्वॉल्व होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, सिक्योरिटी उस डेटाबेस का और उसका इंटीग्रिटी कंट्रोल भी इन्हीं के पास होता है, मेंटेनेंस ऑपरेशनल सिस्टम के इनके हाथ में होता है, और यही इंश्योर करते हैं उसके परफॉर्मेंस को कि उस पर जो एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, यूज़र जो क्वेरीज डाल रहे हैं वो काफ़ी फास्ट हो, क्योंकि फास्ट होगा जितना डेटाबेस उतना ही अच्छे से अलग अलग एप्लीकेशन उसको एक्सेस कर पाएगा। इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पूरी ट्यूटोरियल में समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं अगर कितना भी बता दूँ तो आपको थोड़ा सा ही पता चलेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो देखा है मेरा। ठीक है, अब इसके बहुत सारे वीडियोज़ बनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बैकएंड में क्या होता है, और आप चीज़ों को जब कनेक्ट करेंगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, सो उसके बाद बात करते हैं डेटाबेस डिज़ाइनर की। अब डेटाबेस डिज़ाइनर दो तरह के होते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन का मतलब होता है ब्लूप्रिंट, लेकिन वो ब्लूप्रिंट बनाएगा कौन, कोई इंसान बनाएगा। अब वो इंसान में मतलब दो तरह से ब्लूप्रिंट बनते हैं, जैसे लॉजिकल और फिजिकल। ठीक है, सो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर क्या होता है। अब एक ही डेटाबेस डिज़ाइनर होगा जिसको दो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जो दोनों में महारत हासिल किया होगा, या फिर कोई सिर्फ लॉजिकल देखता हो, कोई सिर्फ फिजिकल देखता हो, वो हिसाब से। सो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर जो होता है वो पूरी तरह से कंसर्न होता है डेटा आइडेंटिफाई करने में, कि मतलब एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स जो होते हैं डेटा के अंदर। सिंपली हम DBMS के अंदर डेटास को एंटिटीज़ या एट्रीब्यूट्स में ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, और उनका रिलेशनशिप अलग अलग डेटा का अलग अलग टेबल के साथ कैसे रिलेशन होगा। ठीक है, क्या कॉन्स्टेंट्स होंगे उन डेटा के जो डेटाबेस के अंदर स्टोर होने वाले हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर के पास होती है। द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर डिसाइड्स हाउ द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज टू बी फिजिकली रियलाइज्ड। अब लॉजिकल तो बन गया, ब्लूप्रिंट तो बन गया, लेकिन उसको हम फिजिकली यानी कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो एक होता है प्लानिंग और एक होता है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग तो हो गया, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर ने प्लान को अच्छे बना लिया, लेकिन उस प्लान को
एग्जीक्यूट कैसे करना है ये फिजिकल डेटाबेस डिजाइनर करते हैं, ठीक है। ये दोनों काम एक ही डिजाइनर कर सकता है, जो डेटाबेस डिजाइनर अच्छे से जानता हो, जिसको दोनों का ज्ञान हो, या अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन डेवलपर्स। सो ये एप्लीकेशन डेवलपर्स होते कौन है? अब एंड यूजर को कुछ चलाना है तो उसको डेटा स्टोर करना है अगर डेटाबेस के अंदर, तो उसको क्वेरी लैंग्वेज आनी चाहिए, 4GL, जिसको हम फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। वो सबको नहीं आता, ठीक है। वो जो डेटाबेस से रिलेटेड है उनको आता है, एंड यूजर को इससे कोई मतलब नहीं है। एंड यूजर सिंपल फॉर्म में कहीं लिखा होता है ऐड या साइन अप, तो वो साइन अप पे क्लिक करता है, अपना डेटा डालता है और साइन अप करता है। लेकिन जिस भी एप्लीकेशन पे वो ये करता है, वो एप्लीकेशन ये डेटा कहीं तो रखता होगा ना, और वो कहाँ रखता है? डेटाबेस में रखता है। वो डेटाबेस कहीं तो होगा ना, वो एप्लीकेशन किसी ने तो डिफाइन किया होगा कि कौन से डेटाबेस में इसको सेव करना है, कैसे रिट्रीव करना है, क्या एक्सेस होना चाहिए। तो ये सब एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर होता है। तो सिंपली अगर एप्लीकेशन डेवलपर की बात करें, तो वो इंसान जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है एंड यूजर्स के लिए, लाइक एडिंग द डेटा, रिट्रीविंग डेटा, मॉडिफाइंग द डेटा और डिलीटिंग द डेटा, और भी बहुत सारे जो डेटा के ऊपर होते हैं। लेकिन ये चार ही चीज़ ओवरव्यू में देखें तो चार ही चीज़ होता है जो एक एंड यूजर करता है। तो जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, जो डेटा को स्टोर करने में, मॉडिफाई करने में, डिलीट करने में, ऐड करने में मदद करती है, वो डेटाबेस एप्लीकेशन होती है। उसको डेवलप करने वाला एप्लीकेशन डेवलपर होता है। एंड यूजर ही भगवान होता है डेटाबेस का, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट के ऊपर ही डेटाबेस टिकता है। और जब भी हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले एंड यूजर को ही दिमाग में रखते हैं कि उसको क्या चाहिए। सो हु यूजेस द डेटाबेस थ्रू एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर देयर रेगुलर टास्क, उसे हम एंड यूजर बोलते हैं। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है नैव यूजर, एक होता है सोफिस्टिकेटेड यूजर। नैव मीन्स नया यूजर, जिसको ये पता नहीं है कि डेटाबेस कैसे काम करता है, बस उसको अपना काम करना है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि टेक्निकलिटी क्या है, मतलब हम पीछे क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना काम उस एप्लीकेशन पे करना है, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड यूजर, जिसको ये पता है कि क्वेरी वेरी कैसे रन करनी है, मतलब जो थोड़ा बहुत जानता हो कि डेटाबेस कैसे काम करता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ DBMS। DBMS की अपनी हिस्ट्री है, और हमने पहले की स्लाइड्स में बात भी करा है कि फाइल बेस्ड सिस्टम जो कि DBMS से पहले था, तो DBMS का भी अपना एक हिस्ट्री है। क्योंकि DBMS जब आया था तो 1970 में आया था, और अभी 2022 चल रहा है, तो गैप है, तो वो गैप नहीं है एक्चुअली, उसका जर्नी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मेनली जो DBMS का हिस्ट्री है, जो उसका स्टार्ट पॉइंट है, वो है 1960s। सो 1960s ऑनवर्ड्स फाइल बेस्ड सिस्टम था, ठीक है। तो हम फाइल बेस्ड सिस्टम यूज़ करते थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मिड 1960 में हायरार्किकल एंड नेटवर्क डेटा मॉडल को इंट्रोड्यूस करा गया, उस वक्त से डेटाबेस चालू हो गया। उसके बाद 1970 में रिलेशनल मॉडल को प्रपोज किया गया, और 1970 के अराउंड, मतलब 70 से उसी दशक में RDBMS का प्रोटोटाइप डेवलप हुआ, ठीक है। 1976 में ER मॉडल प्रपोज किया गया, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। सो 1979 में कमर्शियल RDBMS आया। 1987 में ISO SQL स्टैंडर्ड आया, चूँकि SQL बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे थे, तो उसका एक अपना स्टैंडर्ड होना ज़रूरी था, तो ISO ने SQL का स्टैंडर्ड जारी किया। 1990 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों आए, इन दोनों का कॉन्सेप्ट आया। और 1990 में ही डेटा वेयर हाउसिंग सिस्टम अपीयर हुआ, मतलब अब क्या हुआ कि डेटाबेस से भी डेटा फ्लो होने लगा, तो अब डेटाबेस का भी एक अपना कलेक्शन होने लगा, ठीक है, बहुत बड़ा, उसको हम डेटा वेयर हाउस बोलने लगे। डेटा वेयर हाउस हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, पर लास्ट में जब हम पूरी तरह से डेटाबेस को समझ जाएंगे। मिड 1990 में वेब और डेटाबेस का अपना इंटीग्रेशन होने लगा, जो भी चीज़ें वेबसाइट पर आई, चूँकि WWW आया था, तो जो भी चीज़ें वेबसाइट पर आ रही थी वो डेटाबेस से कनेक्ट होने लगी। और 1998 में XML, NoSQL, NewSQL ऐसे टर्म्स आए, और अभी भी कंटिन्यूएशन जारी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मेरे सोर्सेस, तो मैंने इतना ही डाला है। हिस्ट्रीज उतना मैटर नहीं करता, अगर आपको ये हिस्ट्री चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियोस के अंदर, आप वो हिस्ट्री जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे, ओके। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ DBMS। DBMS के क्या एडवांटेज हैं, ये जानने वाली बात है। अभी तक हमने इतना डिस्कस किया
तो कुछ पॉइंट्स तो आपको ऐसे ही पता होंगे कि फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर क्या लिमिटेशंस थे और डीबीएमएस हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो एडवांटेज तो वहीं से निकल के आएगा। सो एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस में सबसे पहला पॉइंट आता है कंट्रोल ऑफ डेटा रिटर्नेंसी। जो भी चीज़ें कॉमन थी, तो चूंकि एक डेटाबेस रहता है, अलग अलग एप्लीकेशन उसी डेटाबेस को शेयर कर रहा होता है, तो जो भी चीज़ें कॉमन है वो डुप्लीकेट नहीं होती है। सो डेटा रिटर्नेंस का मतलब होता है सेम डेटा बार बार रिपीट होना, बार बार सेव होना, वो DBMS के अंदर बहुत कम हो गया। ठीक है, डेटा शेयरिंग बढ़ गया क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, तो सेल्स का डेटा अगर कोई एडमिन चाहे तो वो देख सकता है, वो चाहे तो किसी और का भी डेटा देख सकता है, उसको बार बार डेटाबेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसके पास एक्सेस हो, ऑफकोर्स एफिशिएंट डेटा एक्सेसिबिलिटी, डेटा एक्सेस करना काफ़ी एफिशिएंट बन गया क्योंकि इसमें कोई टेम्प फाइल नहीं बनता है जहाँ से डेटा फेच हो और फिर दिखाए, क्योंकि फाइल बेस्ड सिस्टम में हमने मॉडिफिकेशन ऑफ एड्रेस फील्ड का देखा था कि उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उतना बड़ा स्टेप नहीं होता है, इसमें टेबल के फॉर्म में डेटा देखते हैं जो कि काफ़ी आसान होता है। डेटा सिक्योरिटी है क्योंकि DBMS ही मैनेज करता है, डायरेक्ट हम डेटाबेस को मैनेज नहीं कर सकते, काफ़ी सिक्योर है। कंकरेंस है, एक साथ बहुत सारे यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि DBMS का पर्पस ही शेयर्ड है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ उसको यूज़ करते हैं। बैकअप और रिकवरी भी बहुत इजी होता है DBMS के अंदर। फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर जो बैकअप और रिकवरी है वो एप्लीकेशन में ही आपको तय करना पड़ता था, या फिर यूज़र को, जो एंड यूज़र है उसको लेना पड़ता था मैनुअली, लेकिन यहाँ पे आपका DBMS उसका केयर कर लेता है। डिसएडवांटेज, हर चीज़ का दो पहलू होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी अपना एडवांटेज है, अपना डिसएडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज पे अगर हम फोकस करेंगे तो हम उसके एडवांटेज का कोई मतलब नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी। अब डेटाबेस में आपने देखा कि एप्लीकेशन से वो कनेक्टेड होते हैं, DBMS से DBMS कनेक्टेड होता है, डेटाबेस से बहुत सारे लोग होते हैं मैनेज करने के लिए, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारा प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देती हैं। डेटाबेस का साइज भी कई बार बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत सारा डेटा सेव हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा सेव हो रहा है। तो मान लीजिए कि सेल्स है, सेल्स का डेटा अगर उसके डेटाबेस में सेव हो रहा है, सपोर्ट का डेटा अगर सपोर्ट के डेटाबेस में सेव हो रहा है, तो इससे क्या है कि साइज छोटा रहेगा, लेकिन अगर एक ही डेटाबेस है और दोनों का डेटा सेव हो रहा है तो साइज बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इतने सारे डेवलपर्स चाहिए, डिजाइनर्स चाहिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट तो बढ़ाएगा। परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस भी कई बार लो होता है डेटाबेस के अंदर क्योंकि एक ही डेटाबेस है, अगर सारे के सारे डिपार्टमेंट वाले एक साथ डेटा को यूज़ करेंगे या फेच करेंगे, रिट्रीव करेंगे, तो परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। और इम्पैक्ट ऑफ फेलियर्स, तो फेलियर का इम्पैक्ट जो है वो सेंट्रलाइज लेवल पे होता है। ऐसे क्या होता है कि मान लीजिए कि फाइल बेस्ड सिस्टम है तो सेल्स का डेटा है, सेल्स के डेटाबेस में है, तो अगर उस डेटाबेस में प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ सेल्स टीम ही अफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे सारे टीम उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर डेटाबेस में प्रॉब्लम आएगा तो सारे डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो इम्पैक्ट है फेलियर का ये थोड़ा बड़ा है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे, होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, सबसे पहले हमने जाना कि डेटाबेस का ओवरव्यू कैसा होता है, डेटाबेस कैसे एक बैंक की तरह काम करता है, रियल लाइफ एग्जांपल लिया जिसमें हम कोई चीज़ सुपरमार्केट से खरीदते हैं, बारकोड रीड होता है तो कैसे वो डेटा आता है। उसके बाद हमने फाइल बेस्ड सिस्टम के बारे में जाना कि हमें क्यों फाइल बेस्ड सिस्टम पढ़ना चाहिए, फाइल बेस्ड सिस्टम क्या होता है, फाइल क्या होता है, क्या लिमिटेशन है चार। उसके बाद हमने जाना कि डेटाबेस अप्रोच क्या होता है, तो डेटाबेस क्या होता है, DBMS क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। फिर हमने उसके डेफिनेशंस को ब्रेक किया, एक एक करके उसको समझा। फिर हमने जाना कि डेटाबेस डिजाइन क्या होता है। फिर हमने डेटाबेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में जाना। हमने डेटाबेस के अंदर जो अलग अलग पोजीशंस हैं, जो रोल्स हैं, उनको जाना डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर। और फिर हमने जाना हिस्ट्री ऑफ DBMS और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो था, तो हो सकता है कि मुझसे कई बार कहीं कहीं जगह पे मिस्टेक हुई हो, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और वीडियो से अगर आपको कुछ समझने को मिले तो ऑफकोर्स आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे मैं और अच्छा सुधार सकता हूँ। कोई एग्जांपल जो आपको समझ में नहीं आया हो और आपके दिमाग में आइडिया हो कि अगर ये बंदा ये बात बोल देता तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो अगर आप भी इस वीडियो पे आप कमेंट कर देंगे तो अगली वीडियोस में मैं इनका ख्याल रखूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।